कोरोना से ठीक होने के बाद राजधानी सहित पूरे झारखंड में कई ऐसे मरीज हैं जो ब्लैक फंगस जैसे खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, जो कि राज्य सरकार की लगातार चुनौती बन रही है। ऐसे में ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या कुछ उपाय हैं, कैसे लोग खुद को रिकॉग्नाइज कर सकें कि हम ब्लैक फंगस से ग्रसित हो रहे हैं, डॉक्टर से कैसे इसमें सलाह लेना है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे हम राजधानी के प्रसिद्ध ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर समित लाल जी से। हमारे साथ डॉक्टर समित लाल जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका ईटीवी में स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, क्या सर कारण है, क्योंकि यह बीमारी नई तो है नहीं, पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अभी कोरोना काल में यह लगातार बढ़ गई है। सर, क्या इसका मुख्य वजह आप कहते हैं? देखिए, इसका मुख्य वजह कोरोना है। पहले भी ये बीमारी होती थी, पर उन लोगों को होती थी जिनको इम्यूनो सप्रेशन की बीमारी रहती थी, शुगर बहुत बढ़ा रहता था और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते थे। कोरोना के आने के बाद आपको समझना चाहिए, कोरोना खुद भी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। कोरोना एक डायबिटोजेनिक बीमारी है, डायबिटीज़ को भी प्रमोट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को मात करने के लिए जो हमारे पास एक रामबाण है, वो है स्टेरॉयड नामक दवा। ये स्टेरॉयड नामक दवा का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ के कारण हमारी इम्यूनिटी और दब जाती है, और इसके दबने के कारण म्यूकर के इंसिडेंसेस को ज़्यादा पाया जा रहा है। तो मुख्य कारण है इम्यूनो सप्रेशन कोरोना के कारण, प्लस कोरोना की जो दवाई है वो भी इम्यूनो सप्रेशन कराता है। और अगर आपको शुगर की बीमारी है तो ये तीनों चीज़, शुगर का बढ़ जाना, कोरोना होना, कोरोना के कारण आयरन का बॉडी में बढ़ जाना और आपकी आंतरिक शक्ति का कम हो जाना, ये तीनों फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है आज के डेट में म्यूकर माइकोसिस को इतना बढ़ावा देने। सर, सवाल है जिस तरह से सर कोरोना, आपने कहा कोरोना के मरीज या जो डायबिटिक मरीज हैं उनमें ज़्यादा ये दिक्कत है, तो सर जो डायबिटिक मरीज हैं वह खुद को कैसे इससे सुरक्षित रख सकें, क्योंकि कोरोना तो संक्रमित हो ही गए हैं वो और डायबिटीज़ भी हैं, तो वो अब ब्लैक फंगस से संक्रमित ना हो, ये खुद को कैसे वो पहली बार मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक फंगस का जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं ये गलत है। ये है सफ़ेद फंगस, लेकिन चूंकि ये जब शरीर के अंदर अटैक करता है तो शरीर जिस एरिया के साइनस, आंख और ब्रेन का, वो ब्लड सप्लाई ख़त्म कर देता है। तो ब्लड सप्लाई ख़त्म होने के कारण टिश्यू काला हो जाता है, इसलिए इसको लोग ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक फंगस नहीं है, ये है सफ़ेद फंगस। खैर, ये एक बात हुई। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं शुगर का कंट्रोल रखना कोरोना के इन्फेक्शन के दौरान, या तो अस्पताल में या तो घर में आप खुद से इलाज कर रहे हैं, अत्यंत आवश्यक है। शुगर को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपको 99% चांस है कि कोरोना से के कारण म्यूकर का इन्फेक्शन नहीं हो। सर, एक और है कि जिस तरह से सर लोग, जिसको आप व्हाइट फंगस कर रहे हैं या लोग जान रहे हैं ब्लैक फंगस के रूप में, इसमें लोगों की आंखें चली जा रही है, तो आंखों को कैसे लोग बचा सकें, कब तक वो डॉक्टर के पास आ जाएं, उन्हें क्या ऐसा सिम्टम हो, इसको लेकर सर क्या कहेंगे सर आप? हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन है ना, क्योंकि ये आंख से स्टार्ट नहीं होता है बीमारी, लेकिन जब आपको आंख में दर्द होना शुरू होता है, जब आपका आंख लाल हो जाता है, जब आपको आंख में सिम्टम आता है, तब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो भी आंख के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपको ये सिम्टम नाक से शुरू होगा, नाक आपका जाम हो गया, नाक से डिस्चार्ज आने लगा, एक साइड हेडेक होना शुरू हुआ, और आप डायबिटीज़ हैं, आप कोविड के बाद कोविड इन्फेक्शन आपको हो चुका है, तो तुरंत आपको एक नाक कान गला के डॉक्टर के पास जाके अपनी नाक का जांच कराना चाहिए। अगर ये शुरुआत में पकड़ा गया नाक के ही अंदर, तो ये आँख तक नहीं फैलेगा और आपका आँख बच जाएगा, लेकिन वही लेट हो रहा है, लोग आँख के डॉक्टर के पास पहले जा रहे हैं, तब तक आँख में घुस गया है बीमारी। एक बार आँख में घुस गया बीमारी, आँख बचाना नामुमकिन है। तो सर, लोग नाकों में जब, तो नाक किन किन के पास, किन से सलाह लें ऐसे समय? नाक के जो नाक के डॉक्टर हैं उनके पास जाके एंडोस्कोपी करके देखना होगा अंदर में कोई फंगस का बॉल तो नहीं है, या अंदर में कालापन तो नहीं शुरू हुआ, जो ब्लैक फंगस का काम है, काला कर देता है अंदर का म्यूकोजा, वो दिख जाएगा। तो नाक का नेजल एंडोस्कोपी आप कराएंगे, नाक का कालापन दिख गया, आपको तुरंत सस्पिशन होगा, एक MRI इसका जाँच है, इसको कराना है इमीडिएटली। MRI में समझ जाएगा क्या डिजीज है, और तुरंत इसको ऑपरेशन करके जितना फंगस है उसको निकालना होगा, क्योंकि दवा देखिए ये फैल जाता है ब्लड में, लेकिन जो टिश्यू खराब हो गया है उसको निकालना जरूरी है, वो नहीं निकलेगा तो एम्फोटेरिसिन बी जो इसकी दवा है वो भी काम नहीं करेगी। तो दवा तो 6 महीना तक चलेगा, 2 से 3 महीना एम्फोटेरिसिन बी का कोर्स है, और 6 महीना तक आपको ओरल एंटीफंगल पे रहना होगा, नहीं तो वापस हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको समझना जरूरी है, और इसका इलाज एक बार हो गया तो 2 दिन में इलाज भी संभव नहीं है, इलाज अस्पताल के अंदर 2 से 3 हफ्ते का है, और ये जो एम्फोटेरिसिन बी की दवा है वो एक तो उपलब्ध नहीं है,
जो उपलब्ध है नॉर्मल एम्फोटेरिसिन भी, वो किडनी को डैमेज कर देता है। तो 2 से 3 हफ्ता अगर ये नॉर्मल दवा आप चलाएंगे तो आपका किडनी बैठ जाएगा। सर यही सवाल हम करना जानना चाहते थे सर, ये एम्फोटेरिसिन बी लाइकोजेनल आपने कहा, ये दवा सर उपलब्ध तो है नहीं मार्केट में, पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी इसकी समस्या है, ऐसे में सर क्या सर वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये हम जानना चाहिए कौन सी दवा सर आप लोग। एम्फोटेरिसिन बी लायोफिलाइज्ड अभी अवेलेबल है, सस्ता भी है, लेकिन वो बहुत टॉक्सिक दवा है। तो उसको अस्पताल के सेटिंग में किडनी का सिम्टम्स को, यूरिन आउटपुट, क्रिएटिनिन को मॉनिटर करते हुए चला सकते हैं जब तक किडनी डैमेज नहीं हो, लेकिन वो भी बहुत दिन तक नहीं चला सकते, एक से एक दिन तो वो किडनी को ख़त्म ही कर देगा। तो ये दो धारी तलवार है। म्यूकोर की दवा जो अगर हम चलाएंगे, अगर लाइपोसोमल नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल चलाएंगे तो किडनी डैमेज करेगा, लाइपोसोमल मिल गया तो एक तो महंगा है बहुत, एक वायल का दाम 8,000 रुपया है और एक साथ कम से कम 3 से 4 वायल 5 वायल एक पेशेंट को डेली चलता है, तो समझिए 20 से 30 हज़ार का डेली का खाली इंजेक्शन का खर्चा है। अब ये 2 से 3 हफ्ता तक चलेगा तो आप सोच सकते हैं इसका बर्डन, इकोनॉमिकल बर्डन कितना हो रहा है, और नॉर्मल वाला चलाएंगे तो किडनी डैमेज हो रहा है। तो कुछ टैबलेट है जो कि अवेलेबल है, लेकिन वो भी महंगा है, लेकिन वो भी अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है। पोसाकोनाजोल करके टैबलेट आता है, तो उसका भी थेरेपी आप समझिए कि 5 से 6 हज़ार रुपये डेली का है, लेकिन कम से कम वो किडनी डैमेज नहीं करेगा। तो सरकार को चाहिए कि ये सारी दवाओं को मुफ्त में उपलब्ध करावें, काहे कि पेशेंट तो ऑलरेडी कोरोना हो गया, कोई अस्पताल में भर्ती हुआ प्राइवेट में तो इतना इतना पैसा पहले ही खर्च हो गया उसका, फिर उसको म्यूकर हो गया, फिर इतना इतना पैसा खर्च करना है, तो आदमी जाएगा कहाँ। सर एक सवाल है सर, जिस तरह से सर राजधानी में अभी तक दर्जनों मरीज मिल चुके हैं, आपने भी कई मरीजों का इलाज किया है, कुछ एक मरीजों की मौत भी हो गई है, ऐसे में सर एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के नाते क्या आप मानते हैं कि इसे, कुछ एक राज्यों ने सर अभी तक इसे महामारी भी घोषित किया है ब्लैक फंगस को, म्यूकर माइकोसिस को, तो क्या इसे सर अभी महामारी घोषित करना चाहिए, ये आपसे एक कोई महामारी नहीं है, आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसके बारे में बात कीजिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको डील कीजिए, ये कोई महामारी नहीं है, सबसे बड़ी बात इसको समझना है ना, ये नॉर्मल युवक को नहीं होगा, कृपया इस मिथ्या को ना फैलाएं कि यंग आदमी उसको म्यूकर हो गया उम्र गया, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है ना, नॉर्मल आदमी को कोरोना का इन्फेक्शन होगा, डायबिटीज़ अगर उसको नहीं है तो उसको म्यूकर की बीमारी नहीं होगी, इस बात को कृपया करके बताएं लोगों को, और इसको पैंडेमिक एंडेमिक और ऑल टाइप्स ऑफ एंडेमिक मत बनाइए, ये उन्हीं को होगा जिनको शुगर की बीमारी है और कोरोना के उपचार के दौरान स्टेरॉयड पड़ रहा है, स्टेरॉयड पड़ने के बावजूद उनका शुगर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। दूसरा चीज़, इनजुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉयड, स्टेरॉयड जरूरी दवा है लेकिन जिस दिन कोरोना का इन्फेक्शन आपको RT-PCR पॉजिटिव आया उस दिन से स्टेरॉयड खाने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग घर में बैठ के कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इस महामारी का कारण, इस जो रिसर्जेंस ऑफ म्यूकर, नॉट महामारी नहीं, रिसर्जेंस ऑफ म्यूकर है, उसका कारण है। घर में अपने मन से स्टेरॉयड का सेवन ना करें, स्टेरॉयड तो रोड पे मिलता है, लोग को RT-PCR हो गया कोविड जाता है स्टेरॉयड खा लेता है क्योंकि डर है भय है, वैसा मत कीजिए, है ना, स्टेरॉयड जा करके रोड से उठा के मत खाइए, स्टेरॉयड कब देना है और कितना दिन देना है ये जो कोरोना के जो डॉक्टर हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है, किस कितना लेवल ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ेगा, CT में जब फाइंडिंग आएगा तो 4 से 5 दिन के लिए स्टेरॉयड दिया जाता है फिर बंद कर दिया जाता है। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज एक सबसे बड़ा कारण है, जो जो भी जा रहा है अपने से स्टेरॉयड खरीद के खा ले रहा है, उसमें शुगर बढ़ जा रहा है, घर में आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी सवाल है सर थोड़ा लोगों के, ये जो सर व्हाइट फंगस की बात आ रही है, अब नई बीमारी व्हाइट फंगस लोग कह रहे हैं, व्हाइट फंगस यही है या फिर यह कुछ इसके अलग सिम्टम है या कुछ अलग बीमारी है? यही व्हाइट फंगस है जो कि टिश्यूज को काला कर देता है, इसलिए कुछ लोग इसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, लेकिन ये है वाइट फंगस जो टिश्यूज को काला कर दे रहा है, इसका नाम है म्यूकोर माइकोसिस। म्यूकोर माइकोसिस एक ऐसा फंगस है जो अभी इस एटमॉस्फेयर में है, हम और आप सब अपने अंदर ले रहे हैं, आप ब्रेड को छोड़ देते हैं बाहर, गीला हो जाता है ब्रेड, या खाना जो बाहर आप छोड़ देते हैं उसमें एक फंगस लग जाता है सफ़ेद सफ़ेद, वही म्यूकोर है, सब जगह है, सबके नाक के अंदर है, लेकिन आपकी अगर इम्यून पावर अच्छी है तो आपके अंदर वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि शरीर उसको मार देता है, तो आपका जब इम्यून सिस्टम खराब होगा तभी ये आपको ग्रसित करेगी। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर समित लाल जी जो राजधानी के प्रसिद्ध डॉक्टर, इन्होंने बताया कि यह जो बीमारी है निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन जो लोग सचेत रहेंगे, जो डायबिटीज के मरीज नहीं है
और जो स्टेरॉइड जैसी दवाइयों का बेवजह यूज कर रहे हैं बिना डॉक्टरों की सलाह की, उन्हें कहीं ना कहीं यह बीमारी होने का खतरा होता है। और जो व्हाइट फंगस की बात हो रही है, इसी को व्हाइट फंगस भी कहा जाता है, और इसके लिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और सरकार को से भी अपील करते हैं हम लोग कि जो दवा है, जो दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वह दवा की उपलब्धता कराई जाए ताकि जो लोग ग्रसित हो रहे हैं वह उन्हें जल्द से जल्द राहत मिल सके। अपने सहयोगी परमानंद के साथ मैं हितेश कुमार चौधरी, ईटीवी भारत, रांची।